हफ्ते भर में दूसरे दौरे पर दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात, सीएम ने रेल परियोजनाओं पर की चर्चा। सीएम के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कसा तंज, कहा 4.5 सालों में डबल इंजन नहीं हुआ स्टार्ट। चुनावी साल में उत्तराखंड सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार का खोला पिटारा, सीएम धामी ने 22,000 सरकारी पदों पर भर्ती का किया ऐलान, बेरोजगारों की बढ़ी उम्मीद। किच्छा में आम आदमी पार्टी का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी प्रवक्ता सुधाकर उनियाल के भिकमंगे वाले बयान का किया विरोध, जनता से माफी मांगने की करी मांग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को एक बार फिर दिल्ली दौरे के लिए राज्य से रवाना हो गए। सीएम धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न रेल परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सामरिक उद्देश्य और सीमांत जिलों के विकास की आवश्यकता को देखते हुए टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का नैरो गेज की बजाय ब्रॉड गेज लाइन का सर्वे किया जाए। मुख्यमंत्री ने इसके फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति के साथ ही ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन निर्माण की मंजूरी का अनुरोध भी किया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक बार फिर से दिल्ली दौरा है, हफ्ते भर में ऐसा दूसरी बार है जब सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि सीएम एक हफ्ते पहले दिल्ली दौरे पर आए थे, तब सीएम ने पीएम मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित कई मंत्रियों से मुलाकात की थी। तो वही बुधवार को एक बार फिर दिल्ली दौरे के लिए राज्य से रवाना हो गए। सीएम धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की, सीएम ने रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की और उत्तराखंड में विकास योजनाओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चर्चा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का कहना है कि सामरिक उद्देश्य और सीमांत जिलों के विकास की आवश्यकता को देखते हुए टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का नैरो गेज की बजाय ब्रॉड गेज लाइन का सर्वे किया जाए। सीएम ने इसके फाइनल लोकेशन सर्वे की मंजूरी के साथ ही ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन निर्माण की मंजूरी का अनुरोध भी किया है। तो एक ही हफ्ते में दूसरी बार है जब एक बार फिर से उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। इससे पहले भी एक हफ्ता पहले दिल्ली दौरे पर वो आए थे, तब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित कई मंत्रियों से मुलाकात की थी और एक बार फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है, उत्तराखंड में विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की है। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा और कांग्रेस का डबल इंजन पर सवाल, जी हां, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है और राज्य से जुड़े विषयों पर विभिन्न मंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से कांग्रेस को किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने तंज कसा और कहा कि इन 4.5 सालों में डबल इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ और ना ही कोई असर देखने को मिला, और अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं तो फिर उत्तराखंड के लिए क्या सौगात केंद्र से मिलने वाली है। हालांकि कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस सरकार की तुलना कर ली जाए तो ये पता चल जाएगा कि कौन कितनी बार दिल्ली के दौरे पर रहा है। नहीं देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली जाए, एक नहीं 100 बार जाए, लेकिन जो डबल इंजन का वादा किया था उस डबल इंजन के अनुरूप जो है सरकार काम करे, उसे स्टार्ट तो कर दो भले मानसो। इन्होंने तो डबल इंजन अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा है। अब देखिए क्या सौगात लेकर के आते हैं। वैसे लगता तो नहीं मुझे कि कोई सौगात जो है केंद्र सरकार इस राज्य को दे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है और इसी दौरे पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। प्रीतम सिंह का कहना है कि सीएम एक नहीं 100 बार जाए, लेकिन लगता नहीं है कि वो केंद्र से उत्तराखंड के लिए कोई सौगात ले पाएंगे। अभी तक इन 4.5 सालों में डबल इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो ये करारा तंज कसा है प्रीतम सिंह ने। और इसी पर
धन सिंह रावत ने भी पलटवार किया है और अगर कहा है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस सरकार की तुलना कर ली जाए तो ये पता चल जाएगा कि कौन कितनी बार दिल्ली के दौरे पर रहा है। तो हफ्ते भर में दूसरे दौरे पर दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके इसी दिल्ली दौरे पर कांग्रेस ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने तंज कसा है और कहा है कि इन 4.5 सालों में डबल इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ और ना ही कोई असर देखने को मिला। और अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री दिल्ली तो गए हैं लेकिन वहां से उत्तराखंड के लिए क्या सौगात केंद्र से मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगता नहीं है कि वो कोई सौगात ला पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक नहीं 100 बार जाए दिल्ली लेकिन इन 4.5 सालों में डबल इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है। धारचूला में बीते दिन हुई भारी बारिश से बीआरओ का लिपू लेक चाइना बॉर्डर सड़क के कूलागढ़ का 48 मीटर लंबा सीमेंट पुल बह गया था जिसकी वजह से जनता फंस गई थी। स्थानीय लोगों ने और सीबीटीएस के युवाओं ने मिलकर बिजली के खंभे डालकर पुल का अस्थायी निर्माण किया जिससे फहाफसी जनता को सुरक्षित स्थानों पर लाया गया और पैदल आवागमन सुचारू हुआ। पर बहुत ही खतरनाक हिलती डुलती रस्सियों से महिलाओं और बच्चों को नीचे उतारकर नाला पार कराया गया। यहाँ जब से कूलागढ़ में आपदा आई है तभी से हम लोग ये जायका टीम मदद करते हैं। जो राहगीर है बेचारे जिसको खाना हाना नहीं मिल रहा है, भूखे आते हैं उनको खाना खिलाते हैं और सीबीटी टीम वालों को भी खाना खिलाते हैं। हमने सीबीटीएफ को जो काम किया है, रेस्क्यू का काम किया है, अभी तक लगभग 900 लोगों को पार कर लिया है। 3 दिन में 900 लोगों को कर लिया है। आगे भी हम लोग रेस्क्यू का जब तक पुल नहीं लगता है तब तक हम आगे भी कार्य शुरू रहेगा। हमने सीबीटीएफ के द्वारा किया है और जायका के टीम से हमें खाना दिन का खाना डेली उन्होंने प्रोवाइड किया। ने पुल निर्माण के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। पुल निर्माण का काम शुरू हो चुका है। लोगों को पुल ना होने की वजह से काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि बीआरओ का लिपुलेक चाइना बॉर्डर सड़क के कुलगाड़ का 48 मीटर लंबा सीमेंट पुल बह गया था जिसकी वजह से वहां जनता फंस गई थी। लोगों को आने जाने में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो वही स्थानीय लोग और सीबीटीएस के युवाओं की पहल से बिजली के खंभे डालकर पुल का अस्थायी निर्माण किया गया था जिससे वहां फंसी जनता को सुरक्षित स्थानों पर लाया गया और पैदल आवागमन शुरू हो गया। पर बहुत ही खतरनाक हिलती डुलती रस्सियों से महिलाओं और बच्चों को नीचे उतारकर नाला पार कराया जा रहा था। नैनीताल सरोवर नगरी में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधायक संजीव आर्य को पालिका सभागार में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के अनुसार जिन आवासों में वाल्मीकि समाज के लोग रह रहे हैं उन लोगों को मालिकाना हक दिया जाए। कर्मचारियों को बीते 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, वही रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन एरियर भी नहीं मिला है, माफ कीजिएगा नहीं दिया जाए, जैसी कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। जैसे आपको विदित है कि सफाई कर्मचारी जो है हमारा कर्मचारी साथी हमारे निरंतर अपने कार्य को पूरी तन्मयता के साथ निभा रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसको देखते हुए भी अधिशासी अधिकारी महोदय ने अभी हमारे आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी जो हैं उनका वेतन निर्गत नहीं किया है, उनको 3 माह से वेतन नहीं मिला है। इसलिए उनके परिवार में जो है आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। 8,500 में क्या होता है, आज हम 40 जो स्थायी कर्मचारियों की जो कटौतियां जो नगर पालिका द्वारा की जाती है वो कटौतियां जो हैं वो बैंकों को नहीं भेजी जा रही हैं, उससे भी कर्मचारी में बड़ा रोष है और उस पर अधिभार पड़ रहा है, उस पर ब्याज पड़ता है, उसका भी कोई देनदार नहीं है। यहाँ अधिशासी अधिकारी महोदय से बात करने पर कोई हमें सकारात्मक जवाब नहीं मिलता। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो उनका भी जो देयक हैं उनका भी भुगतान नहीं कर पा रही है नगर पालिका और हमें सीधे से जवाब मिलता है कि हम नहीं कर पाएंगे, है नहीं इसका। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा अगर यदि इनसे वार्ता में हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा आपकी सरकार बनने पर उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के ऐलान के बाद अब पार्टी इस घोषणा को धरातल पर उतारने की तैयारी में जुट चुकी है। आप प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए आप प्रवक्ता रविंद्र आनंद और नवीन पिरशाली ने जानकारी दी है। रविंद्र आनंद ने कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार 20 सालों में बीजेपी कांग्रेस नेता बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, उस पर अब चर्चा भी होने लगी है और ये सिर्फ केजरीवाल जी का प्रभाव है। उन्होंने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि दोनों ही दलों की फ्री बिजली देने की कोई मंशा नहीं है, उनका ये सिर्फ चुनावी जुमला है। दोनों ही पार्टियां पिछले 20 सालों से इसी तरह जनता को बेवकूफ बना रही है, जबकि आम आदमी पार्टी पूरे होमवर्क के बाद ही इस घोषणा को अमल में लाई और अरविंद केजरीवाल जी ने ये गारंटी दी है। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बिजली पर उत्तराखंड के लिए जो 4 गारंटी दी गई है उसको लेकर आप एक अभियान चलाने जा रही है, जिसमें आप पार्टी के 10,000 कार्यकर्ता गांव गांव और घर घर तक पहुंचकर लोगों के रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे आप पार्टी जनता को बिजली फ्री देगी ये उत्तराखंड की जनता को समझाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत 17 जुलाई से होगी जो 1 अगस्त तक प्रदेश में अभियान के रूप में चलता रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने उत्तराखंड के दौरे के दौरान जो 4 गारंटी उत्तराखंड के लिए दी थी उसको लेकर आम आदमी पार्टी पूरा राज्यव्यापी अभियान रजिस्ट्रेशन अभियान चला रही है 18 तारीख से लेकर, जिसका फ्लैग ऑफ देहरादून से 17 जुलाई को किया जाएगा। इस अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के 10,000 कार्यकर्ता गाँव गाँव शहर शहर पहुँचकर उत्तराखंड के 20,000 घरों में पहुँचेंगे, जहाँ उनको एक यूनिक गारंटी कार्ड दिया जाएगा जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली समेत 3 अन्य बिंदु पर गारंटी दी जाएगी। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये भी बताएंगे कि 300 यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को कैसे मिलेगी। देखिए, मैं मानता हूँ कि जनता हर बात के लिए टैक्स देती है और जनता का अधिकार है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जीवन स्तर सुधारने के लिए जो आवश्यक सुविधाएँ हैं, वो सुविधाएं सरकार का जनता को देने का काम है और ये जनता का हक है। जनता काफ़ी खुश है, उत्तराखंड की जनता में खुशी की लहर है 300 यूनिट फ्री बिजली की बात पर, और जनता आम आदमी पार्टी को हाथों हाथ ले रही है और मुझे उत्तराखंड की जनता पर पूर्ण भरोसा है कि उत्तराखंड की जनता 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी, न कि इन राजनीतिक दलों की सरकार बनाएगी, क्योंकि जनता 20-21 सालों से इनकी लूट खसोट को देख चुकी है और समझ चुकी है। किच्छा में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता उनियाल ने उत्तराखंड को 300 यूनिट बिजली फ्री देने के वादे पर उत्तराखंड की सम्मानित जनता को भिखमंगा कहा है। आम आदमी पार्टी उनके इस बयान का पूरी तरह से विरोध करती है और ये मांग करती है कि वे उत्तराखंड की सम्मानित जनता से माफी मांगे। भाजपा के प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी ने, जो आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली की गारंटी, फ्री बिजली की गारंटी उत्तराखंड की जनता को दी हुई है, अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में आकर के देहरादून में जो फ्री गारंटी की जो योजना बताई है, 2022 में इलेक्शन के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उन्होंने इस पर कहा है कि जो लोग अगर ये करते तो भिखमंगे हैं, उन्होंने उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा कहा है। हम मांग करते हैं उनसे कि उत्तराखंड की सम्मानित जनता से वो माफ़ी मांगें और उत्तराखंड की जो सम्मानित जनता है उसको भिखमंगा करने कहने से पहले सोचें कि ये नेता, ये जितने भी मंत्री हैं, ये लोग क्या फ्री बिजली इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्या ये लोग भिखमंगे हैं क्या? और अगर भाजपा के बिजली मंत्री ने ये कहा है कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देने पर विचार कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं और हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो क्या अगर उत्तराखंड की जनता 100 यूनिट बिजली फ्री लेगी तो वो भिखारी नहीं है, वो भिखमंगी नहीं है? और 100 यूनिट से ऊपर अगर आम आदमी पार्टी की 300 यूनिट की बिजली की फ्री की अगर वो बात करती है तो वो जनता भिखमंगा हो गई? ये इसका भाजपा का दोहरा चरित्र है, हमेशा ये लोगों को बरगलाते हैं, लोगों से ये दूसरी राजनीति की बात करते हैं। उत्तराखंड सरकार में भाजपा प्रवक्ता है सुबोध उनियाल जी, उन्होंने उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा बोला है, तो आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और आज पूरे प्रदेश में जो है उनके खिलाफ उनकी थुथू हो रही है कि वो उत्तराखंड की जनता को, जिसका अपना हक है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर से
बिजली बन के जाती है बाहर, और उत्तराखंड की सरकार आम आदमी पार्टी के बयान से कि 300 यूनिट फ्री देंगे उस पर उत्तराखंड की जनता को भटभंगा कर बोला है उनियाल जी ने, तो मैं उनसे पार्टी तरफ से और सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से, सारे उत्तराखंड वासियों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि पहले वो उत्तराखंड के वासियों से माफ़ी मांगे और अपने बयान से जो है बयान को वापस लें, क्योंकि उत्तराखंड की जनता का ये हक है, उनको जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए। हम लोग एक आम आदमी पार्टी से सारे जने, आप जितने भी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है वो हम लोगों के उत्तराखंड में आने से पूरी तरह से वर्गला गई है, और नेता चोरी करे और नेता को फ्री मिले तो अच्छी बात है, एक आम पब्लिक को फ्री मिले तो भीख मांगना हो गया। अब हम लोग यही मांग करने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारी जो उत्तराखंड की एक आम जनता को जो बीजेपी के नेता है वो भिखारी बता रहे हैं, और जो खुद खा रहे हैं, खुद लूट लूट कर प्रदेश को पूरा खोखला कर दिया है, और उसके लिए कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है। काराधुंगी विधानसभा क्षेत्र के कोटाबाग ब्लॉक में कांग्रेस एससी विभाग की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने संगठन का विस्तार करते हुए युवा नेता तरुण कुमार को कोटाबाग ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इस दौरान जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कहा कि उनकी ओर से जिले में लगातार संगठन का विस्तार किया जा रहा है। केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि आज देश में महंगाई अपने चरम पर है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कालोडुंगी विधानसभा में था, जो एरिया सीधे कोटाबाग से लेकर के पॉलगढ़ से लेकर के नयागांव से लेकर के बजुलिया हल्दू और रागढ़, ये सब इलाके में आज मैं घूम के आया। वहाँ हमने कार्यकाल के विस्तार इसलिए विस्तार किया, और वहाँ तरुण कुमार आर्य को ब्लॉक अध्यक्ष की कमान दी, और सारा संगठन को जो ऐसे डिपार्टमेंट का संगठन को जोड़ने की उसको पूरी उन्होंने, काफ़ी लोग वहाँ पर थे, मौजूद थे। 2022 के लिए सब तत्पर अपने कार्य कर रहे हैं, और जो हमारा कांग्रेस पार्टी का जो हमारे देवेंद्र यादव जी के द्वारा प्रभारी द्वारा हमें जो आदेश मिले हैं, हम लगातार क्षेत्रों पर जाकर कार्य कर रहे हैं। 2-3 दिन के बाद ये त्यौहार है, त्यौहार के बाद फिर मेरा बेतालघाट, उसके बाद विधानसभा भीमताल नैनताल, सभी जगह मेरा दौरा हो रहा है। गदरपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में वन मंत्री अरविंद पांडे ने हरेला पर्व की शुरुआत की। उस मौके पर वन मंत्री अरविंद पांडे ने एक विद्यालय को अटल उत्कृष्ट विद्यालय में बदलकर क्षेत्रवासियों को तोहफा दिया। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों के समान ही उच्च गुणवत्ता की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को दी जाए, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही थी, और अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो शिक्षा दी जाएगी वह पूरी तरह अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी, और CBSE की मान्यता भी इस विद्यालय को प्राप्त हो चुकी है। गदरपुर के ब्लॉक में 2 विद्यालय ऐसे हैं जिनको अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जा रहा है, और प्रदेश भर में 737 शिक्षकों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। विद्यालय ये उन गरीब अभिभावकों की इच्छा थी जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना चाहते हैं, उसी पैटर्न पे हमने प्रत्येक विकास खंड में 2-2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय की हमने स्थापना की है, और 190 विद्यालय जो प्रदेश के हैं उनको कक्षा 1 से 12 तक की हमने CBSE बोर्ड से इनकी मान्यता दिला दी है, और प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय के साथ साथ 5-5 बेसिक प्राथमिक स्कूल भी होंगे, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना आए, और 1 से 5 तक जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने में हम मातृभाषा का इनको बढ़ावा देंगे, और नई शिक्षा नीति का पालन करेंगे, कक्षा 6 से लेकर 12 तक इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे। आने वाले टाइम में हम सेकंड फेज भी चालू करने वाले हैं, और जिसमें जो विद्यालय CBSE बोर्ड के मानकों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं उन समस्त विद्यालयों को हम CBSE बोर्ड की मान्यता दिलाएंगे। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में जो हमारे अभिभावक ये समझते हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं बच्चों को और इंग्लिश मीडियम से वहाँ पढ़ाई होती है और सरकारी स्कूलों में नहीं होती है, तो इसी के लिए ही यहाँ पर जितने भी हमारे एक विकास खंड में 2-2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं, जहाँ प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी,
और सारा पैटर्न वही रहेगा जिनके लिए हमारे अभिभावक भगते हैं प्राइवेट स्कूलों के लिए। CBSE पैटर्न से हर विषय की वहाँ पर पढ़ाई होगी, हर सिस्टम वैसे लागू होगा। और इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी आज स्क्रीन टेस्ट, जैसे माननीय मंत्री जी ने भी बताया, स्क्रीन टेस्ट भी हो चुका है, लगभग अभी 11 बजे से शुरू होगा। और सारी व्यवस्थाएं, जिससे अभिभावकों को सबसे बड़ी समस्या से ये निजात मिलेगा कि उनको जो प्राइवेट स्कूलों में बड़ी बड़ी फीस देनी पड़ती है वो यहाँ मुफ्त में होगा, वो इस प्रकार की फीस उनको नहीं देनी पड़ेगी और वही स्टैंडर्ड यहाँ पर कायम होगा, जिससे हमारे अभिभावक जो आज के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी का बोलबाला है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इस प्रकार से स्कूल खुलेंगे जब तो हमारे अभिभावकों को, सामान्य अभिभावकों को विशेषकर लाभ मिलेगा। इसके अलावा अभी हमारे प्रदेश सरकार की ये भी स्कीम है कि अन्य स्कूलों को भी खोला जाएगा जो CBSE के मानक हमारे पूरा करेंगे। चुनावी साल में सरकार युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खोल रही है। नए मुखिया की ताजपोशी के साथ ही 22,000 नौकरियों का ऐलान कर दिया गया। सरकार के इस ऐलान से बेरोजगारों की उम्मीद भी बढ़ गई है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि महज 6 महीनों के वक्त में क्या इतनी भर्तियां करवाना संभव हो पाएगा। दरअसल अधिकांश भर्तियां अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से ही की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि अमूमन एक भर्ती को संपन्न करवाने में आयोग को 1 साल का समय लग जाता है। कोविड की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो डिस्टेंसिंग के मानक का पालन है, उससे करीब करीब हमारी क्षमता आधी हो गई है एग्जाम कराने की, क्योंकि जिस कमरे में हम 24 बच्चों को ऑफलाइन में बिठा रहे थे आज 12 बच्चों को बिठाते हैं, जहां पर हम 10 या 12 हज़ार ऑनलाइन एग्जाम कर पाते थे एक शिफ्ट में, वहां 6 हज़ार कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम पूरी कैपेसिटी का उपयोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कारण से वो ज़्यादा शिफ्ट होना, ज़्यादा दिन एग्ज़ाम चलना, ज़्यादा टाइम लेना, ये स्वाभाविक बात हो गई है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। बाकी जो उसके स्वच्छता के मानक हैं, जो और सैनिटाइजेशन है, उसका हम पालन कर रहे हैं, उसमें जो भी अतिरिक्त व्यय है वो राज्य सरकार वहन कर रही है। इसमें दो तरह की दिक्कतें हैं, एक कि जो अध्याचन आते हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं होते हैं और हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि लीगली फिट विज्ञापन जाए, क्योंकि विज्ञापन जारी होने के बाद कोर्ट में केसेस होना वो सब शुरू होते हैं, उससे पहले नहीं होते हैं। तो वो एक अच्छा विज्ञापन हो, साफ सुथरा हो, जिसमें कम से कम लीगल हर्डल हो, तो वो एक जिससे हमको विभागों को बार बार बातचीत करनी पड़ती है, अध्याचनों को ठीक कराना पड़ता है। दूसरा पार्ट है कि एग्ज़ाम प्रोसेस, एग्ज़ाम प्रोसेस भी समूह गांव में बड़ा जटिल है, क्योंकि कई पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा है फिर लिखित परीक्षा है, कई पदों के लिए स्टेनोग्राफी है फिर टाइपिंग है फिर लिखित परीक्षा है, तो एक टियर का एग्ज़ाम नहीं है, 2-3 टियर का परीक्षा होता है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर इफको से तरल नैनो यूरिया खाद की पहली खेप को रवाना किया। अपने आवास पर हुई बैठक में कृषि मंत्री ने मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर चर्चा भी की। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में नैनो यूरिया का उत्पादन किसानों के लिए वरदान साबित होगा। इफको का ये प्रयास आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में काम करेगा। इस उत्पाद के आने से यूरिया का उपयोग कम होगा और यूरिया उर्वरक पर दिए जाने वाली सब्सिडी में भी बचत होगी। आपको बता दें, इससे किसानों की लागत में भी कमी आएगी और सरकार पर यूरिया उत्पादन का दबाव कम होगा। आज उत्तराखंड के कृषकों के लिए नैनो यूरिया का पहला ट्रक रवाना किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्पना थी आत्मनिर्भर भारत की, और जिसमें वो मिट्टी का स्वास्थ्य और पर्यावरण के का स्वास्थ्य दोनों बना रहे, इस दृष्टिकोण से जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी वैज्ञानिकों को, सभी हर क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को एक संकल्पबद्धता के साथ काम करने का जो आह्वान किया था, उसी में आज इफको के द्वारा एक अपना पूरी दुनिया में ये पहला पेटेंट है नैनो यूरिया, उसकी आज उत्तराखंड के लिए पहला रथ रवाना हुआ है, जिसमें निश्चित रूप से उत्तराखंड जैसा राज्य जहाँ का भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी विकट हैं और जहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो लॉजिस्टिक की है, और आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा किसान का हो जाता है कि उसमें जाने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह पाता। तो ये 500 ml की जो इंट्रोड्यूस की है इन्होंने नैनो यूरिया तरल लिक्विड फॉर्म में, ये करीबन 45 kg यूरिया के बराबर इसका प्रभाव है, और ये खेती के लिए भी लाभदायक है कि इसमें जो जिस तरह से
जो खेती में यूरिया के अंदर जो खेती को नुकसान करने वाले जो पार्टिकल्स थे उनको इन्होंने इससे बाहर करने का काम किया। आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों के तहत कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। डूंगरपुर स्थित पंचायत घर में महिला कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष आशा बिष्ट के नेतृत्व में ये बैठक हुई। बता दें कि बिहार कांग्रेस सचिव एवं नैनीताल प्रभारी रीता सिंह ने महिला कांग्रेस की एकजुटता पर बल दिया। मुझे यहाँ नैनीताल 5 विधानसभा में महिलाओं का जो संगठन है उसके विस्तार के लिए महिलाओं को कैसे मतलब आगे जाना इसका दायित्व तो मुझे उन्होंने दिया है और आज आशा विश्व की अध्यक्षता में यहाँ पर इससे पहले भी कल नैनीताल में 2 विधानसभा नैनीताल और भीमताल विधानसभा में महिलाओं की बैठक महंगाई के खिलाफ इस तरह से भाजपा की जो सरकार लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल का दाम से जुड़ी बात है, रसोई गैस की दाम बढ़ती है, देखा जाए तो सरसों तेल से लेकर दाल सब्जी हर चीज के दाम तेजी से बढ़ी है। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है अगर माप शक्ति जग जाएगी, नारी शक्ति जगेगी तो भाजपा भगेगी। भाजपा ने बहुत झूठ बोल करके समाज को नुकसान पहुंचाया है, बेरोजगारों को नुकसान पहुंचाया है और देश को नहीं प्रदेश को डबल इंजन सरकार ने नुकसान पहुंचाया है। केवल योगशाला के रूप में उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों का प्रयोग किया गया है और उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है और बेरोजगारों का कोई इंटरव्यू नहीं है। ये सरकार के काम है। पेट्रोल डीजल की महंगाई, रसोई गैस महंगी और महंगाई से सारा कामकाज ठप, छोटा मोटा व्यवसाय खत्म, किसानों पर बड़ा भारी असर पड़ा है। तो ये अच्छे दिन नहीं, ये बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ